वही लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में सोमवार को मुंबई में 6 सीटों के लिए मतदान होना है। बता दें, मुंबई में एनसीपी को छोड़कर बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना के शिंदे गुट और ठाकरे गुट चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि मुंबई की 6 सीटों पर एक ओर जहां सभी चुनावी प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी है, तो वहीं दूसरी तरफ सभी राजनीतिक दल के चुनावी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। वही अब इस विषय के लिए आइए देखते हैं कि मुंबई के मतदाताओं का क्या मूड है और वह किन विषय को लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कि संजय जी ना भाऊ पाटिल आने वाले हैं और आने की 100% गारंटी है। हमारे जितने भी एरिया के लोग हैं, मुलुंड और घाटकोपर, सब लोगों के वोट बहुत चाहते हैं और बहुत प्यार करते हैं उनसे, और वो आना जरूरी है और आना चाहिए ही। केंद्र में तो बीजेपी लग रही है मैडम, क्योंकि 10 साल में इन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने, योगी जी ने, देवेंद्र जी ने, और अभी एकनाथ शिंदे जी भी है, तो लगता है कि बीजेपी आएगी। तो बीजेपी आनी चाहिए, लेकिन संजय जीना पाटिल जी का काम जो इन्होंने किया है विपक्ष में रहते हुए भी 10 सालों में, वो लग रहा है कि हो सकता है उनका भी चांस है ये साल। चलिए, मुंबई में तो इधर अभी संजय भाऊ पाटिल का ही जोर चल रहा है, उनका ये थोड़ा काम है इधर फालतू में, वैसे नहीं मिल रही, वही शायद सुन के आएगी आप। मुलुंड से अपना, मुलुंड में संजय पटेल आएगा यहाँ से। उन्होंने काम किया है यहाँ पर? हाँ, काम किया, बहुत कुछ किया उन्होंने, यहाँ आएगा, ऐसा तो लग रहा है वही आएगा।